नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सरकार देश के अंदर अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर कितना लाभ मिल पा रहा है उन योजनाओं का गरीबों को, वो हम जानने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में आज जो हम है करनाल ब्लॉक के गांव नलवीपार में पहुंचे हैं और गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है, सरपंच पूरन सिंह, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, अगर बात करें शिक्षा की तो आपके गांव के में स्कूल है? जी हाँ, कितने तक है? हाई स्कूल है जी। अच्छा, उसके बाद कहाँ जाते हैं बच्चे? साथ के गांव है डबर की कला में हायर सेकेंडरी स्कूल है, कुछ वहाँ जाते हैं, कुछ कुंजपुरा चले जाते हैं। अच्छा, जी आपके गांव में जो स्कूल है उसमें टीचर्स हैं? जी जी अच्छा, अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, बढ़िया टीचर है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? है जी, उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। नहीं जी, सीएचसी नहीं है। तो ऐसे में कोई इलाज करवाने जाना हो तो कहाँ जाएंगे? कुंपरा, कुंपरा साथ गांव लगता है, कस्बा है, वहाँ पीएचसी है, सीएचसी है, पहले पीएचसी थी, अब सीएचसी है, वहाँ से इलाज कराते हैं लोग। रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला आपके गांव से? सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है, कितना बाकी मिला है फिर भी? इक्का दुक्का ही मिले हैं सरकारी, मतलब बच्चे अपने काबिलियत के आधार पर लगे हैं, कुछ बच्चे सरकारी इसमें खट्टर सरकार में जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है तो उनको नौकरियां मिली है। थोड़ी सी नौकरी मिली है, बाकी कहाँ जाएंगे? वोट कितने हैं यहाँ पर? 3,500 है। 3,500 में से सिर्फ एक दो युवा तो बहुत सारे होंगे, 50% तो होंगे ही। पढ़ाई के उसमें पीछे हैं तो पीछे कैसे? आप तो कह रहे हो स्कूल बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैट्रिक तक जाते हैं, मैट्रिक के बाद फिर कॉलेज दूर है, आने जाने की सुविधा नहीं है शहर तक। सरकार ने तो रोडवेज बसें लगाई थी कि बेटियां जो है पढ़ सके, जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, गांव से शहर में कॉलेज तक जा सके। आपके गांव तक नहीं पहुंची रोडवेज बस की सुविधा? बस की सुविधा नहीं है, बस की अच्छा, सुविधा नहीं है। तो ऐसे में बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, बेटियां कैसे शिक्षित होंगी? बस ये तो इसी यही कारण है पिछड़े रहने का कि सुविधाओं की कमी है। सरकार ध्यान तो देती है लेकिन कुछ समय चलती है बस फिर बंद हो जाती है, पता नहीं क्या कारण है। पिछले विधायक जी ने के से उसे बस लगी थी तो कुछ समय बाद बंद होगी, पता नहीं। मैं भी जीएम साहब से मिला लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छतें भी जरूरी होती है। यहाँ पर कितने मकान ऐसे हैं जिनकी छतें कड़ियों वाली है? छतें तो बहुत कच्चे हैं, आधा गांव कच्चा है, कड़ियों वाली छतें, आधा गांव कच्चा है। सरकार ने आवास योजना के तहत 2022 तक सबकी छतें पक्की करने की बात कही थी, आपके गांव में कितनों को लाभ मिला, कितनों की जो है छतें पक्की हुई है? ये पिछले जो बीजेपी की 10 साल की सरकार में इसमें अंदाजा है कि 20 या 25 घर पक्के हुए हैं 10 साल के अंदर, और सर्वे का जो लिस्ट बनी है वो लगभग 300 के करीब है, जो अभी इच्छुक हैं लाभ के मिल नहीं पाया। जर्जर हालात में कितने मकान हैं जो कि पता नहीं कब ढह जाए? काफी मकान ऐसे हैं, कितने मकान हो? लगभग 100 मकान ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है, उनकी हालत खस्ता है, घरों की डैमेज हो चुके हैं। अगर ऐसे में वो घर गिर जाते हैं, परिवार वालों को कुछ हो जाता है, जान को जोखिम में डालकर वो रह रहे हैं, तो कौन जिम्मेवार होगा कुछ हो गया तो? जिम्मेवार कौन होगा, उसको तो रवि रखवाला है। तो सरकार इस तरफ ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा मकान दे, गरीबों को लाभ मिले, उनकी छतें पक्की हों, उनका कम से कम बच्चों का भविष्य हो, जिंदगी सुरक्षित हो। मतलब कैसे भविष्य सुरक्षित होगा जब जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं, कड़ियां टूटी हुई है, कच्ची छतें हैं? मेहनती आदमी है, मजदूर आदमी है, बेरोजगार है, अपने दिहाड़ी से अपना पेट बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो मकान बनाने में असमर्थ हैं। तो सरकार की तरफ ही उनका ध्यान है कि सरकार से वो करेगी। मनरेगा में काम मिल रहा है गांव वासियों को? मनरेगा में मिलता है काम, जब भी पंचायत काम कराती है मनरेगा का तो आसपास के गांव में भी जाती है मजदूर यहाँ से काफी मनरेगा के। तो उनको पगार मिल जाती है? हाँ जी, समय पर मिलती है, आपको मनरेगा की दिहाड़ी मिलती है। आपकी सैलरी आ रही है सरपंच साहब? जी आ रही है, मान ले। कितने समय से आ रही है? ये पिछले फरवरी तक आ गई। मैं
और फरवरी के बाद की अभी भी रह गई है। तो ईट एंडिंग में क्या कुछ विकास हुए गांव के अंदर? गांव में रास्ते बनाए, खेतों के रास्ते बनाए, गांव में भी गड़ियां बनाई, पंचायत से भी बनाई, जो भी जिनको जितना फंड आता है सरकार से, सेंटर से, एफएफसी स्कीम के तहत, एसएफसी स्कीम के तहत, उनको विकास कार्यों में खर्च करते हैं। सड़कों के अलावा और क्या विकास हुए गांव के अंदर? चौपाड़े हैं, गांव में चौपाड़े बनवाई, उनकी मरम्मत कराई, और बड़ा घर है गांव में उसको भी मरम्मत के काबिल है, अभी उसमें कराना है काम। जो काम होने थे वो हुए हैं गांव के विकास के लिए? बस प्रयासरत है, कर रहे हैं, जो बचे हैं वो भी करेंगे, कोशिश तो यही है। सरकार की तरफ से भी डिमांड सरकार को भी भेजी हुई है, जो पोर्टल पे डिमांड भेजते हैं आज पारदर्शिता के तहत, तो जो भी सरकार प्रस्ताव मांगती है हम उनको देते हैं एस्टिमेट बढ़वा के, तो सरकार की तरफ से जो फंड आएगा लगाएंगे, कुछ टेंडर में लगेगा, कुछ पंचायत खर्च करेगी। फैमिली आईडी बनी हुई है सभी की गांव में? सही कितनों की बनी हुई है फैमिली आईडी? तो लगभग ठीक है सबकी। बीपीएल राशन कार्ड कितनों के बने हुए हैं? 1100 से ज्यादा ही है, 1100। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर मिलने थे फ्री में, क्या आपके गांव में मिले हैं? मिले हैं। कितनों को मिले हैं? इसका मेरे पास उसका डाटा तो नहीं है, फिर भी अंदाजा 40-50 घरों को मिले हैं। 1100 के लगभग राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन सिलेंडर गैस सिलेंडर मिले 50-60 लोगों को ही? पहले से थे ना उनके पास, कईयों के पास पहले से थे, लगभग सभी के पास सिलेंडर है, ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसके पास सिलेंडर नहीं। ई टेंडरिंग को लेकर तमाम जो सरपंच है वो सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला में गए थे तो वहां पर लाठीचार्ज हो गया था, आप भी पहुंचे थे पंचकुला? जी गए थे हम। गए थे जी। तो क्या लगता है ई टेंडरिंग सही है या गलत है? सही नहीं है ई टेंडरिंग का, तो सरपंच इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें विकास कार्य की एक तो गति धीमी है, फिर दो दो साल तक ये काम पूरे नहीं होते, जो टेंडर लेते हैं अपनी मर्जी से समय ज़्यादा लगाते हैं, जरूरत के मुताबिक समय पर वो अपना काम नहीं निपटान करते, पता नहीं सरकार की क्या सोच है। तो क्या लगता है जो सरकार ने वायदे किए थे क्या उन पर खरी उतर पाई है सरकार? स्कीमें तो बहुत है पर लेकिन धरातल पे लोगों को पहुंचने में या अनपढ़ता कह लो या उनकी समझ में नहीं आती, ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम या फैमिली आईडी या इसके एक से एक नई से नई जो सरकार योजनाएं लाती है तो वो उन पे उलझ के रह जाते हैं। जी बिल्कुल, योजनाएं बहुत सारी लेकर आ रही है सरकार, बहुत सी योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल पर सिर्फ जो है 10% लोगों को ही लाभ मिल पा रहा है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने में मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।